Nest School System, online classes session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student of class 3. Umeed hai ki aap sab ghar par rehkar acche honge aur apne ghar walon ke sath cooperate kar rahe honge. अपने घर पर रहें. आपको पता है कि आजकल बाहर निकलना ख़तरनाक है. जर्म्स हैं तरह तरह के. आप खुद भी घर पर रहें और अपने बहन भाइयों की भी देखभाल करें और उन्हें बाहर जाने से मना करें. जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे रीडिंग अपनी. आप लोग अपनी पेंसिल्स को अपने हैंड में रखें और हम आज अपने लेक्चर की थर्ड लेक्चर की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. ओपन योर चैप्टर नंबर 3. स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 13 है. इसका आज हम थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और बहादुरी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब की मुखालफत का तन्हा मुकाबला किया और अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया. कोई ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह हक से बाज ना रख सकी. तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर डेट मेंशन करें. इस रीडिंग को आप दो बार करेंगे ताकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाए. अब हम मुश्किल अल्फाज के मायने अंडरलाइन करेंगे. जुर्रत, बहादुरी, सबूत, अर, मुखालफत, तन्हा, मुकाबला, पैगाम, लोगों, पहुंचाया, ताकत, राहे हक, बाज. तो स्टूडेंट्स, इस तमाम रीडिंग के बाद आप इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस इमला की घर पर करेंगे और इस इमला को अपनी नीट कॉपी पर खूबसूरती से करेंगे. इमला को आपके पेरेंट्स करवाएंगे और मार्क्स भी देंगे. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉपी वर्क. तो आप अपनी उर्दू की कॉपीज़ ओपन करें ताकि हम अपना काम स्टार्ट करें. जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो खूबसूरती के साथ आप अपने पेज पर डायरी पर दी हुई डेट एंड डे मेंशन करेंगे. उसके बाद कलर के साथ खूबसूरती से अल्फाज मायने लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट टू लेक्चर्स में 10 तक वर्ड मीनिंग किए थे. आज हम नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. नंबरिंग का आपने मस्ट हर पेज पर हर काम पर करनी है, चाहे वो वर्ड मीनिंग हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, इमला कर रहे हैं या अल्फाज जुमले. कलर के साथ खूबसूरती से आप नंबरिंग लिखेंगे. नंबर 11, सबूत, अपना आप मनवाना. 12, मुखालफत, किसी के खिलाफ बोलना. 13, तन्हा, अकेले. 14, मुकाबला किया, सामना किया. नंबर 15, पैगाम, कोई बात दूसरे तक पहुंचाना. नंबर 16, ताकत, कुव्वत या हिम्मत. नंबर 17, राहे हक, सच्चाई का रास्ता. नंबर 18, बाज करना, मना करना. इन तमाम अल्फाज मायनी को आपने याद भी करना है और खूबसूरती से अपनी कॉपी पर लिखना है. उसके बाद आप पेज पर इमला करेंगे. अगर आपकी इमला के लिए इस पेज पर जगह कम है तो आप इमला नेक्स्ट पेज पर भी कर सकते हैं. खूबसूरती से इस काम को करने के साथ साथ अच्छी तरह याद करेंगे. अब हम करेंगे सवाल जवाब इस रीडिंग में से. जी स्टूडेंट्स, खूबसूरती से डेट एंड डे मेंशन करने के बाद ऊपर कलर के साथ हम अपने टॉपिक का हेड लिखेंगे, सवाल जवाब. चैप्टर नंबर 2,
में हमने लेक्चर नंबर 2 में सवाल नंबर 7 तक लिखा था। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 8 से। सवाल का सीन, जवाब का जीम कलर के साथ आएगा। हर लफ्ज़ में एक उंगली का फासला देंगे और सवाल मुकम्मल करने के बाद एक लाइन छोड़कर जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सवाल है हमारा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? सवाल नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किसका पैगाम पहुंचाया? सवाल नंबर 10, क्या कोई ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह हक से बाज रख सकी? इन तमाम सवालात के जवाब लिखने के बाद आप अल्फाज जुमले करेंगे। जुमलों के अल्फाज हैं पसंद, ताकत, राह। इस तमाम काम को आपने खूबसूरती से लिखना है और याद भी करना है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, ये आपके चैप्टर से मुतलिक था। अब हम बात करेंगे एक अच्छी बात के बारे में। तो आज हम अच्छी बात में आपको बताएंगे कि आप जब भी कुछ भी खाना पीना शुरू करें तो सबसे पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना खाना शुरू करें और ख़ामोशी से बैठकर अपना खाना खाएं। एक जगह पर बैठकर खाएं और अपना खाना खाने के बाद अपने बर्तन जो आपने खाते हुए इस्तेमाल किए उनको किचन में रख कर आएँ, ताकि आप घर पे रहकर अपने पेरेंट्स को हेल्प कर सकें, उनका काम नहीं बढ़ाएं, खुद भी करें और अपने छोटे बहन भाइयों की भी लुक आफ्टर करें और उनसे भी ये काम करवाएं। आप जानते हैं कि छोटे बहन भाई छोटे होते हैं, वो तंग करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बखेर देते हैं। तो आप अपने बड़े होने का फ़र्ज़ अदा करें। उनसे थोड़े बड़े हैं आप, तो आपको पता है कि जो चीज़ जहाँ पर रख सकते हैं, जैसे आप स्कूल से जाते हैं अपना यूनिफॉर्म जूते इधर उधर फेंक देते हैं, तो आपके मदर जो हैं वो परेशान होती हैं इन चीज़ों से। तो आप क्या करें कि जाते हैं जब आप या कहीं से भी आते हैं, अपने कपड़े अपने जूते चेंज करने के बाद उनकी जगहों पर रखें, अपने काम को भी समेटें और छोटे बहन भाइयों को भी चेंज करने में, उनकी चीज़ें रखने में उनकी मदद करें, ताकि आपकी मदर जो सारा दिन आपके लिए काम करती हैं, आपके लिए मेहनत करती हैं, उनको भी हेल्प मिले। छोटे छोटे कामों के ज़रिए उनको सपोर्ट करें ताकि वो भी खुश हों। इन छोटे छोटे कामों से आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं और उनको खुशी दे सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें, अपने साथ सबकी परवाह करें। थैंक यू।